जिस एनर्जी के साथ इंडिया को आना चाहिए, ये 300 का टारगेट भी और T20 का मुकाबला और 300 कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, T20 में 300 सीरियसली बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बस एनर्जी जो लेके आनी चाहिए ना इंडिया को, जितना वो एंड में हुआ है फाइनल में, तो जो गुस्सा उनके अंदर होना चाहिए वो उस हिसाब से तो यही होना चाहिए। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को जो इतनी देर से आउट ऑफ फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और वर्ल्ड कप में भी अगर उनके मैचेस देखा जाए तो उन्होंने कोई अच्छा फॉर्म नहीं किया, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया वालों ने उनके ऊपर की हुई है, ठीक है। तो एज अ कैप्टन खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ ये भी उनके लिए ऑनर की बात है, हमारे लिए एक सरप्राइज है और इंडिया वालों के लिए भी सरप्राइज होगा। इसे सी टीम ना समझे, आप इसे ए टीम ही समझे। पूरी उम्मीद है इस स्क्वाड से, क्योंकि ये इनका IPL का एक्सपीरियंस भी है और सारे अच्छे प्लेयर है। कुमार यादव है, वो भी बहुत अच्छा कैप्टन है। फाइनल में भी KL राहुल ने रन से की, वो भी सेल्फिश इनिंग खेल के। बिल्कुल इंडिया को करेंगे, वो हमारे पड़ोसी हैं, अच्छे वाले पड़ोसी बनकर आए। तो हम जसीवाल जो है ये आप इसको देखें, ये IPL के 4 मैचों में लगातार इसने 100 किए हैं। नमस्कार दोस्तों, TNS न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज के साथ, जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे, इंडिया ने वर्ल्ड कप के बाद T20 सीरीज के लिए इंडिया की क्रिकेट टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम का कैप्टन बनाया है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन दे रही है। कुछ पाकिस्तानी सूर्य कुमार यादव को सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ पाकिस्तानी सूर्य कुमार यादव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है दोस्तों, जिस एनर्जी के साथ इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है उसको देखा जाए तो इस हिसाब से इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने T20 में भी 300 प्लस करा ही देंगे। कुछ इस तरीके का रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया ने इसमें दिया है दोस्तों, और साथ ही साथ इंडियन टीम का परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तानी जो खुद को इंडिया का दुश्मन बताते हैं, वह भी इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हो गए दोस्तों। पाकिस्तानियों का कहना है इंडियन क्रिकेट टीम अपने हार का बदला इस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हार के ले लेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, और ऋतुराज जो है वो इस टाइम वाइस कैप्टन है, ईशान किशन कीपर है वो भी है, और उसके बाद रिंकू सिंह है, और काफ़ी ज़्यादा नाम है, मैं नाम बता दिया आपको। अच्छा चल, थर्ड एंड जो उसमें शरिया स्लेयर भी आएंगे, और सर ये है इस टाइम T20 की सीरीज़ की जो है ना स्क्वाड है, क्या कहेंगे सर ये जो स्क्वाड है, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है सीरीज़ का, क्या कहेंगे सर इस पर? यार मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, नए लड़कों को मौका देना, और नए लड़का लीड कर रहा है सूर्य कुमार यादव। आपको पता ही होगा सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से खेलता है, IPL रोहित शर्मा के अंडर खेलता है वो, तो उसे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि रोहित शर्मा कैसे लीड करते हैं फ्रंट से। जैसे उन्होंने आपने बताया रोहित शर्मा ने 550 स्कोर किया वर्ल्ड कप में, स्कोर तो किया है, स्ट्राइक रेट 125 का था, हिटिंग की है, छक्के मारे हैं, 25 छक्के मारे हैं वर्ल्ड कप में, तो बड़ी अच्छी बात है। सूर्य कुमार यादव को उन्होंने लीड इसलिए करवा रहे हैं कि उन्हें यंगस्टर पे अगर थोड़ा प्रेशर पड़े तो उन्हें पता चले कि यार हमारी जो बी टीम है वो कितना की कैपेबल है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस स्क्वाड से, क्योंकि ये इनका IPL का एक्सपीरियंस भी है। सूर्य कुमार यादव है ठीक है, तो उनको रातों की नींद नहीं आती होंगी सर, और मेरे ख्याल के मुताबिक एक आग लगी वाला अंदर आग लगी है ना किसी भी इंसान के, जितनी बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे सकता है ना दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं हरा सकती, मोटिवेशन उसके अंदर से आनी है ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया कहेगा यार वर्ल्ड कप तो साढ़े को ही है, कड़ा मसला है, हार भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सर इंडिया के अंदर ना आग है, और ये आग अगले 4 साल आपको देखने को मिलेगी अंटिल अनलेस दोबारा वो ऑस्ट्रेलिया से कोई बड़ा मैच, बड़ा इवेंट, आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है या आगे T20 कप आ रहा है, ऐसा कोई बड़ा इवेंट अंटिल अनलेस वो विन नहीं करते सर, इट्स इम्पॉसिबल कि इंडिया किसी भी मैच में ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा लूप दे दे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ना कंपटीशन काफ़ी, देखो मैं ये भी नहीं मतलब ब्लाइंड में ये भी नहीं कह सकता, ऑस्ट्रेलिया वाले कोई मतलब वो कोई मतलब मैच फिक्स करके थोड़ी ना आए हैं, वो ये थोड़ी ना कहेंगे, क्योंकि जो बंदा ना जीत जाता है ना उसको और मसाला लगाने का मजा आता है ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला होता है ना उसको उसकी रात की नींदें तो क्या, दिन को उसको सब भी वही दिख रहा होता है कि यार मेरे नाल हो के गया, मेरे नाल हो के गया, तो कंपटीशन टफ देखने को। आप इंडिया की बात करते हो ना कि उन्होंने बड़ी ए टीम सारी बिठा दी, फलाना बिठा दिया, फलाना बिठा दिया, फलाना, आप अहमदाबाद की उनकी किसी गली के बच्चे को भी उठा के ले आओगे ना वो इंडियन बच्चा है, और अगर वो टीम में खेलेगा ना चेंज लाने में टाइम लगता है। और दूसरी साइड पर देखा जाए ना, इधर आबादी 25-26 करोड़ है और उस साइड पर आबादी 1 अरब कोई 34-35 लाख करोड़ है, तो उसमें से टैलेंट ज़्यादा आता है, और फिर दूसरी बात यह कि वो मेरिट पर थोड़ा सा इंसाफ से काम लेते हैं हमारे। हाँ नो डाउट, देखो यार आप ना इस टीम मतलब ये काम करते हो तो मेरे से ज़्यादा अननोन पर्सन से ज़्यादा ना आप किसी अपने दोस्त को लाना चाहोगे, तो बाबर अगर इमाम को ले आया तो
खैर है, मतलब एक एक्सपोज हो गया, पता चल गया सारा कुछ, लेकिन थोड़ा सा उसने यारी निभा ली तो मेरे ख्याल के मुताबिक कोई सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी का प्रेशर तो नहीं ले जाएंगे, हालांकि वो वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के अंडर कैप्टनसी में रहे हैं, तो लगता है कि वो एक्सपीरियंस वो काम करेगा या प्रेशर तो नहीं लेंगे? ऑब्वियसली सर, ये देखो ना इंडियन के इंडियन कैप्टन क्यों इतने स्ट्रॉन्ग हैं। अब देखो आप MS धोनी को देखा, उस बंदे की कैप्टनसी देखी थी सेकंड लेवल पे, अगर आप देखो उसको रोहित को देखो उसकी कैप्टनसी देखी है, 10-10 आप मैच जीते हो, जैसे भी जीते हो 10 जीते तो हो ना। अब MS धोनी की अगर बात करें ना सर, वो तेंदुलकर की कैप्टनसी में खेला है, तेंदुलकर के साथ खेला है, वो डेविड के साथ ऐसे ऐसे बड़े प्लेयर्स की सुपर वीएन में खेला, कैप्टनसी में खेला है। रोहित की बात की जाए वो MS धोनी की सुपर वीएन में खेला, कैप्टनसी में खेला है। हमारे यहाँ मतलब अब बाबर को उसके साथ आप रिलेट तो करते हो, लेकिन मेरी जान फिर रोला वहाँ पर आ जाता है कि आप उसके साथ रिलेट करते हो, लेकिन बाबर किसकी कैप्टनसी में खेला यार? या तो ना बाबर इमरान खान की कैप्टनसी, थोड़ा सा पॉजिटिव भी देख लो, ठीक है क्रिटिसाइज करो लेकिन पॉजिटिव रूप भी देखो आप उसको, मतलब वो खान साहब की इमरान खान की खेला हो तो हम कहेंगे यार ये बंदे ने सीखा ही कुछ नहीं है, लर्निंग कुछ नहीं है। बाबर को सिखाने वाला ही कोई नहीं, बाबर के साथ कौन है? शदाब है, हसन अली है, इमामुल हक है, फखर जमान कौन है? कोई बड़ा प्लेयर है? कोई भी नहीं है। बाबर इतने में भी आपको मतलब जिस तरीके से भी नंबर वन पे जैसे भी लेके गया, नंबर वन कहते हैं जो भी कहते हैं, नो डाउट इंडिया का कंपैरिजन नहीं बनता सर, नहीं बनता। आप अगले 20 साल भी इंडिया का कंपैरिजन नहीं कर, आपने देखा नहीं हिस्ट्री के अंदर उठा के देख लो, बड़ा इवेंट का मैच कोई आप इंडिया से जीते ही नहीं हो अब तक। किस वजह से नहीं जीते सर? टैलेंट वहाँ पे ज़्यादा है। टैलेंट क्यों है? क्योंकि वो मेरिट पे सिलेक्शन करते हैं, हमारे टैलेंट भी उतना नहीं है और मेरिट पे सिलेक्शन भी नहीं है, और सारे के सारे कोई गाइड करने वाला भी प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन सूर्य कुमार यादव आई डोंट थिंक सो के ही विल टेक प्रेशर ऑफ एनी सिनेरियो, क्योंकि छोटा मैच है, छोटी सीरीज है, होम सीरीज हो रही है, तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। लेकिन नो डाउट वो अच्छा खेलेगा, मिस्टर 360 उसको भी कहते हैं, तो होप्स हो के इंडिया थोड़ा सा 60% मैं उसको देता हूँ क्रेडिट और 40% देता हूँ उनको दूसरे। लग रहा है कि स्ट्रीक जैसे वर्ल्ड कप में बनाते हैं ये टीम भी बनाएगी स्ट्रीक? नहीं, स्ट्रीक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सूर्य कुमार यादव रोहित थोड़ी है कि इसकी स्ट्रीक मेंटेन कर ले, और स्नैपचैट की स्ट्रीक भी हर बंदा मेंटेन नहीं कर सकता, जिनके घर वाईफाई तेज लगे होता है वही, या जो वेला बंदा होता है वही मेंटेन कर पाता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक सूर्य कुमार यादव को थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है संजू सैमसन जो है ये वो प्लेयर है जो 5 साल से IPL के परफॉर्म करके दरवाजे खटखटा रहा है और उनसे मौका नहीं मिल रहा। रिंकू किंग जो है ये वो प्लेयर है, रिंकू पता स्क्वाड का बताया भी नहीं मैं डेफिनेटली मैं इंडिया का फैन हूँ। रिंकू सिंह जो है ये वो प्लेयर है जिसने लास्ट में 5 छक्के मार के IPL का फाइनल जितवाया था, तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली जो है ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम मिलेगा और इजीली तो नहीं जीतने देंगे। ये पाकिस्तान की टीम तो है नहीं कि ए टीम है, वो भी परफॉर्म नहीं कर रही। तो आपको क्या लगता है कि तो इंडिया अपनी सीरीज में T20 भी होगा सीरीज में अभी सीनियर निकला है सारे, जो अगर हम बात करें विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, और अगर जडेजा की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, और सारे रेस्ट पे हैं। अगर हम बात करें KL राहुल वो भी रेस्ट पे, अगर हम बात करें बुमराह वो भी, मतलब सीनियर सारे जो रेस्ट पे हैं, क्या वजह है? आज दवा जूनियर अपना जलवा दिखाएंगे सर? हाँ, पहली बात तो ये मैं चाहता था इनकी पूरी सीनियर टीम मैदान में आती, वो इसलिए कि इंडियन फैंस का जो गुस्सा है ना, तो वो अगर तगड़ा मसाला लगाती ना बड़ी टीम तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बहुत कम रेस्ट दिया जाता है, तो उन प्लेयर्स कुछ इस तरह के का हाल इस वीडियो में पाकिस्तान के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद।